ये धमाका अभी तक हुआ क्यों नहीं? तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर देखो। हम? और क्या तुम? तुम्हें क्या लग रहा है हम अपने आप से बात कर रहे हैं? अगर हम दोनों धमाके के साथ निकल गए तो बिना जनाजे के ही वहां पहुंच जाएंगे। जन्नुम जन्नुम, तुम दोनों से बात करना ही बेकार। उठो बेटा, सहर उठो, लतीफ, देखो ना सनम को क्या हो गया है। बेचारी, जाओ जाकर देख कर आओ कैसी है वो। चलती है, देख नहीं पाई कि उसके निकाह के जश्न में लोग मुझे ही घूर रहे थे। अल्लाह,
तो हुई छुई मुई। कुछ कहा तुमने? नहीं बेगम साहिबा, मैं अभी देख कर आती हूँ। देखो ना, मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी से। मैं तेरी बड़ी अम्मी बेटा। सहर उठो ना। जी बेगम साहिबा। लतीफ पहुंच गया तो? बेगम साहिबा बस दरवाजे पे हूँ। तो दरवाजे पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। पहुंच गए? जी बेगम साहिबा पहुंच गई मैं। सनम कहाँ है, क्या कर रही है? सनम सनम यहाँ बिस्तर पर लेटी हुई है। और वो उसका दुपट्टा, वो कहाँ है? दुपट्टा? दुपट्टा क्यों? लतीफ जो पूछ रहे हैं बस उसका जवाब दो, समझे? जी जी दुपट्टा। बेगम साहिबा दुपट्टा यहाँ कोने में पड़ा हुआ है, पूरा गीला हो चुका है। लगता है सनम ने नशे की हालत में पानी वानी गिरा दिया है। गीला पड़ा? सनम के साथ कोई कमरे में और है क्या? और कोई? हाँ है ना। कौन? सनम है और हुस्न की मलिका यानी मैं। हेलो, लगता है बेगम साहिबा नाराज हो गई। छोड़ो। तनवीर और रजिया किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। मुझे यहां से जाना होगा, जाना होगा। ये बच्चे की आवाज सुनकर वो हर बार बच जाती है। सनम की बच्ची कैसे कैसे वो हर बार अपनी मौत को मात दे देती है? कैसे कैसे हमारे सारे प्लान फेल हो रहे हैं। वो सारी गोलियां सब कुछ बेअसर। कैसे बच जाती है वो? मैं तो पहले से ही कह रही थी कि जरूर जरूर ऐसी कोई रूहानी ताकत है बेगम साहिबा जो उसकी रखवाली कर रही है। रूहानी ताकत गजाला? बेगम साहिबा मर जाएगी। बोलो कौन सी रूहानी ताकत? मर जाएगी, कुछ नहीं है, छोड़िए। बेगम साहिबा हार मानकर अपना आपा खोने का नहीं है। अगर आपने ही होश खो दिया तो कल आहिल और सनम के निकाह को कोई नहीं रोक पाएगा। जरा सोचिए बेगम साहिबा, कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे सनम और आहिल के निकाह को रोका जा सके। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रज़ाक। अब इस निकाह को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है खुद।
निकाह के लिए इनकार कर दीजिए आए। ये रिश्ता धोखे पे टिका, झूठ पे टिका है। अगर आपने कल ये निकाह कर लिया तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, मेरी, आपकी और मेरी बहन की। खुदा के लिए आए उस रिश्ते को कबूल मत कीजिएगा जो अल्लाह को ही कबूल नहीं है, और सिर्फ आप हैं जो ये सब होने से रोक सकते, सिर्फ आप रोक सकते। ऐसा क्यों किया तुमने सनम? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में सनम? क्या कमी रह गई थी? कोई कमी रह जाती तो क्या बात थी आहिल बेटा? आहिल, सनम को तो उसकी किस्मत से ज्यादा ही मिल गया। और कहते हैं ना, ज्यादा चमक भी आंखों को अंधा कर देती है। और फिर तुमने आहिल बेटा, तुमने तो एक नौकरानी को अपने सर पर ही बिठा लिया। मैं सनम नौकरानी नहीं है। अब मतलब हमें माफ कर देना आहिल बेटा, वेरी सॉरी, हम समझ सकते हैं। लेकिन आहिल बेटा, तुम्हारे प्यार के पागलपन की वजह से कोई हमारे खानदान का तमाशा बनाए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आहिल, हमने ये निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कबूल किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा बेटा खुश रहे। लेकिन आहिल बेटा, हम ये भी जानते हैं कि एक ना एक दिन सनम अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। अम्मी, अम्मी ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि सनम गरीब घर से है लेकिन बहुत खुददार है वो। अम्मी उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है। जिसे बिना मांगे जिंदगी की सारी खुशियां मिल जा रही हो, उसे मांगने की क्या जरूरत है? पहले हमें भी लगता था है कि सनम एक खुददार, सीधी सादी, दिल की बहुत सच्ची लड़की। लेकिन फिर जब धीरे धीरे हमें उसके तेवर समझ में आने लगे, तब हमें समझ में आया कि सनम कैसी है। और वो ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि एक बार अगर तुमसे उसका निकाह हो गया ना, तो फिर उसका तुम पर पूरी तरीके से हक हो जाएगा। अरे बेटा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम बस ठंडे दिमाग से इस निकाह के बारे में सोचो। देखो, अगर एक बार निकाह हो गया ना आहिल बेटा, तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अम्मी, मैंने सनम से वादा किया कि हमारा निकाह कल। हम जानते हैं आहिल बेटा कि तुमने सनम से वादा किया, और हम तुम्हारे वादे की कदर भी करते हैं आहिल बेटा। कि क्या तुम ऐसी लड़की से निकाह करना चाहोगे जिसने भरी महफिल में सबके सामने हमारे खानदान की बेइज्जती करी? ऐसी लड़की से निकाह करना चाहोगे जिसने तुम्हारी अम्मी की इज्जत सबके सामने उछाली? मैं ये तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे अब्बू की रूह जब ये देखेगी जिस इज्जत को बनाने के लिए, जिस शानो शौकत को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नीलाम कर दी, उसी इज्जत को वो एक लड़की की खातिर उनके बेटे ने बर्बाद कर दिया। तुम खुद सोचो आहिल, क्या तुम ऐसी लड़की से निकाह करोगे? आहिल, अम्मी शांत हो जाइए प्लीज। बोलो आहिल बेटे, तुम ऐसी लड़की से निकाह करना चाहोगे?
देखो आहिल बेटा, हम बस इतना ही चाहते हैं कि सनम ये समझ जाए कि एक नवाब की बीवी होने का मतलब क्या होता है, वो इस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल है भी या नहीं। अगर सनम जिम्मेदार नहीं है तो इस दुनिया में और कोई लड़की जिम्मेदार नहीं हो सकती। माफ कीजिए आहिल भाई, मैं जानता हूं आप लोगों के बीच में मुझे इस तरह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सनम की एक हरकत की वजह से इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो ये बात गलत है। लेकिन रेहान, उसने आज जो कुछ किया उसे भुलाया भी तो नहीं जा सकता ना। पूरे भोपाल के सामने उसने हमारे खानदान की बेइज्जती की है। हाँ बेगम साहिबा, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन सनम को गुनहगार बनाने से पहले हमें एक बात का पता लगाना चाहिए कि ये सब हुआ क्यों। जिस तरह सनम रिएक्ट कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो होश में थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया हो। क्या क्या बोल रहे हो रेहान, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं, शायद कोई है जो नहीं चाहता कि ये निकाह हो। कौन हो सकता है वो जो ये निकाह नहीं चाहता? आहिल बेटा, तुम भी कहां रिहान की बातों में आ रहे हो? हम बस तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि सनम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस वक्त तुम ये इस निकाह को टाल दो तो अच्छा रहेगा। माफ कीजिए बेगम साहब, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे आहिल भाई के लिए इस दुनिया में कोई भी बना है तो वो सनम है। सनम जैसी लड़की आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। आहिल भाई, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूंगा कि आप और सनम हमेशा साथ रहें और हमेशा खुश।